गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और मैं अनिल के शर्मा, आज के इस वीडियो लेक्चर में BCNF यानी कि बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में समझाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए समझते हैं कि डेटाबेस में बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। BCNF बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो BCNF जो है या फिर बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज थर्ड एंड ए हाफ नॉर्मल फॉर्म। तो BCNF को थर्ड एंड ए हाफ या फिर 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एडवांस फॉर्म है, एडवांस पार्ट है। और इसको जो डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय रेमंड एफ बॉयसी एंड एडगर फ्रैंक कॉर्ड। तो इसको डेवलप किया था रेमंड एफ बॉयसी और एडगर फ्रैंक कॉर्ड दोनों ने मिलकर। और एडगर फ्रैंक कॉर्ड के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे, और IBM में इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो अब जो है, अब किसी भी टेबल को BCNF या बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जो है कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना होता है। तो टू ब्रिंग द टेबल इन बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी टेबल को लाने के लिए जो फर्स्ट रूल है, वो रूल है द टेबल हैज टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि उस टेबल को पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रूल जो है वो ये है कि एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि ए एट्रीब्यूट वो डिटरमिन करे बी एट्रीब्यूट को। दैट मीन्स कि ए साइड में जितने भी कॉलम्स होंगे वो कॉलम्स सुपर की कॉलम्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल के। तो सुपर की कॉलम का मतलब है कि एक प्राइमरी की और उसके साथ एक या दो नॉन की दोनों मिलकर के सुपर की बनाते हैं। तो कुछ इस तरह का जो कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको सुपर की बोलते हैं। तो ए साइड में जो कॉलम्स होंगे वो सुपर की कॉलम्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल का। इट मीन्स इसका मतलब है दैट की फॉर ए डिपेंडेंसी कि ए कॉलम अगर ए एट्रीब्यूट डिटरमिन करता है बी एट्रीब्यूट्स को, तो ए कैन नॉट बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ए एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, मतलब एक सुपर की एट्रीब्यूट ही होगा वहां पे। इफ बी इज ए प्राइम एट्रीब्यूट, अगर बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है तो। तो इसको और थोड़ा सा क्लियरली जो है नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे हमारे पास एक टेबल है, एनरोलमेंट टेबल। तो इस एनरोलमेंट टेबल को जो है BCNF या बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए समझते हैं कि इस एनरोलमेंट टेबल में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये टेबल BCNF में या बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स है, तीन कॉलम्स नेम है, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट और प्रोफेसर नेम या टीचर नेम। तो स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे 101 का रिकॉर्ड है, 102 का रिकॉर्ड है, एंड अगेन 102 का रिकॉर्ड है, 103 का रिकॉर्ड है, 104 का रिकॉर्ड है, और सब्जेक्ट है जावा, ओरेकल, C++, ओरेकल, और यहाँ पे प्रोफेसर का जो नाम है
वो है नंदनी सिन्हा। तो नंदनी सिन्हा जो है वो जावा पढ़ाती है, अनिल जो है वो ओरेकल पढ़ाते हैं, मीरा खरे जो है C++ पढ़ाती है, अनिल अगेन ओरेकल पढ़ाते हैं, और एक सर्वानी कुमार है जो वो भी ओरेकल पढ़ाती है। तो इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है ये BCNF में ये टेबल नहीं है। तो इन द एबव टेबल एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट वाले इस टेबल में वन स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो इस टेबल में एक स्टूडेंट, लेट सपोज स्टूडेंट ID 101, ये एक स्टूडेंट है और ये जावा भी पढ़ सकता है, ये ओरेकल भी पढ़ सकता है, ये C++ भी पढ़ सकता है। दैट मीन्स कि 101 का जो स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट जावा भी पढ़ सकता है और एक से ज़्यादा जावा और ओरेकल भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है 102, तो वो क्या है, वो ओरेकल का सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, और 102 अगेन वही स्टूडेंट C++ का सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वन स्टूडेंट जो है मल्टीपल सब्जेक्ट में अपने आप को एनरोल करा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट विद स्टूडेंट ID 102, तो ऊपर हमने देखा कि स्टूडेंट ID 102 जो है उसने ऑप्ट किया है सब्जेक्ट्स ओरेकल एंड C++। तो 102 नाम का जो स्टूडेंट है उसने ओरेकल के सब्जेक्ट को भी चूज किया है और C++ के सब्जेक्ट को भी चूज किया है। तो 102 ओरेकल, 102 C++। उसके बाद फॉर इच सब्जेक्ट, अब हर सब्जेक्ट के लिए ए प्रोफेसर इज असाइंड टू द स्टूडेंट। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रोफेसर भी असाइंड किया गया है। तो 101 का जो स्टूडेंट है वो जावा पढ़ना चाहता है, तो जावा कौन पढ़ाएगा, नंदनी सिन्हा नाम की प्रोफेसर पढ़ाएगी। उसके बाद 102 जो है वो ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो उसको अनिल नाम के प्रोफेसर पढ़ाएंगे। उसके बाद 102 अगेन एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है C++, तो मीरा खरे नाम की प्रोफेसर पढ़ाएंगी। 103 नाम का जो स्टूडेंट है वो ओरेकल पढ़ना चाहता है, तो इसको अगेन अनिल नाम के प्रोफेसर पढ़ाएंगे। और 104 जो है वो भी ओरेकल पढ़ना चाहता है, तो इस ओरेकल को एक दूसरा प्रोफेसर, अनिल नाम का प्रोफेसर ना पढ़ा करके कोई दूसरा प्रोफेसर भी पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है। तो यहाँ पे सर्वानी कुमार है, वो भी ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ाती है, पढ़ा सकती है या पढ़ाती है। तो यहाँ पे ए प्रोफेसर इज असाइंड टू द स्टूडेंट, एक प्रोफेसर को जो है स्टूडेंट के लिए असाइन कर दिया गया है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल प्रोफेसर्स टीचिंग वन सब्जेक्ट लाइक वी हैव फॉर ओरेकल। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोफेसर भी हो सकते हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जैसे कि ओरेकल। मल्टीपल प्रोफेसर जो है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ऊपर वाले एनरोलमेंट टेबल में जो है अनिल नाम का जो प्रोफेसर है, अनिल नाम के जो प्रोफेसर है वो ओरेकल पढ़ा रहे हैं एक सब्जेक्ट, और सर्वानी कुमार नाम की जो प्रोफेसर है वो भी ओरेकल पढ़ा रही है। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट मल्टीपल प्रोफेसर जो है पढ़ा रहे हैं। तो इन द टेबल स्टूडेंट आईडी, तो ऊपर जो है टेबल में, एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट जो है इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी की बनाएगा, मतलब सुपर की बनाएगा ये। यानी कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट ये दोनों कॉलम्स मिल करके प्राइमरी की बना रहे हैं, मतलब सुपर की बना रहे हैं। बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट वी कैन फाइंड ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट ये दोनों कॉलम्स मिल करके
जो है प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं या सुपर की बना रहे हैं, तो ये सुपर की इसलिए बना रहे हैं कि किसी भी प्रोफेसर का नाम देखना है या किसी और कॉलम्स के बारे में जानना है तो वो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से ही हम किसी मतलब करेक्ट प्रोफेसर को कॉलम में फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा प्रोफेसर एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो वन प्रोफेसर टीचेस ओनली वन सब्जेक्ट, एक प्रोफेसर केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट वन सब्जेक्ट मे हैव टू डिफरेंट प्रोफेसर्स, लेकिन एक सब्जेक्ट के दो अलग अलग प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो ऊपर जावा जो है, जावा नाम का सब्जेक्ट जो है केवल एक ही प्रोफेसर पढ़ा रही है, नंदिनी सिन्हा, बट ओरेकल नाम का जो सब्जेक्ट है वो अनिल नाम के प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं और सर्वानी कुमार नाम के प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकता है और एक सब्जेक्ट को दो अलग अलग प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से देयर इज ए डिपेंडेंसी बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर। तो यहाँ से इसीलिए सब्जेक्ट और प्रोफेसर के बीच में एक डिपेंडेंसी बन जाती है, एक रिलेशन बन जाती है। और यहाँ पे जहाँ सब्जेक्ट डिपेंड करता है प्रोफेसर के नेम के ऊपर, बट दिस टेबल इज नॉट इन बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म। तो ये टेबल बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इन द टेबल एबव ऊपर वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट ये प्राइमरी की बना रहे हैं, सुपर की बना रहे हैं, विच मीन्स कि सब्जेक्ट कॉलम इज प्राइम एट्रीब्यूट। कि सब्जेक्ट कॉलम जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, बट देर इज वन मोर डिपेंडेंसी कि प्रोफेसर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है जबकि सब्जेक्ट इज ए प्राइम एट्रीब्यूट और प्रोफेसर इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज नॉट अलाउड इन BCNF या विच इज नॉट अलाउड बाय BCNF। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में जो है टेबल्स के थ्रू समझते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल का नाम है एनरोलमेंट टेबल। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ये जो एनरोलमेंट टेबल है ये BCNF या बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली इस स्लाइड में जो है हम देखेंगे कि इस एनरोलमेंट टेबल को BCNF या बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनरोलमेंट टेबल में हमारे पास तीन कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और प्रोफेसर नेम। तो अब एनरोलमेंट टेबल को जो है BCNF में कन्वर्ट करना है, बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टू ब्रिंग दिस टेबल इन BCNF, तो इस टेबल को, इस एनरोलमेंट टेबल को BCNF में लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वी विल डीकम्पोज दिस टेबल। हम इस टेबल को डीकम्पोज करेंगे, इस टेबल को तोड़ेंगे इनटू टू टेबल्स, दो टेबल्स में तोड़ेंगे और एक टेबल का नाम रखेंगे स्टूडेंट टेबल और दूसरे टेबल का नाम रखेंगे प्रोफेसर टेबल। तो यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट टेबल को डीकम्पोज करके दो टेबल्स बना दिए और एक टेबल का नाम मैंने रखा स्टूडेंट टेबल और दूसरे टेबल का नाम रखा मैंने प्रोफेसर टेबल। तो आइए समझते हैं कि स्टूडेंट टेबल में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट टेबल में मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी और एक दूसरा कॉलम लिया मैंने, दूसरा एट्रीब्यूट लिया PID प्रोफेसर आईडी। अब इसको ऊपर वाले एनरोलमेंट टेबल से इसको समझते हैं। तो एक स्टूडेंट है जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 है, उसका जो प्रोफेसर है उस प्रोफेसर की प्रोफेसर आईडी 1 है। तो कैसे, ऊपर वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी 101 है, उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उसने जावा का सब्जेक्ट लिया है और कौन सा प्रोफेसर जो है ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं,
तो नंदनी सिन्हा नाम की प्रोफेसर पढ़ा रही है। तो नंदनी सिन्हा एक अलग प्रोफेसर है, एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो एक अलग पीआईडी बनेगी, तो इनकी एक अलग पीआईडी बन गई वन। उसके बाद 102 नाम का स्टूडेंट है, उसके प्रोफेसर की आईडी 2 है, तो यहाँ पर 102 नाम का स्टूडेंट है और उसने सब्जेक्ट जो लिया है वो ओरेकल का सब्जेक्ट लिया है, और जो प्रोफेसर इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस प्रोफेसर का नाम अनिल है। तो अनिल जो है एक अलग प्रोफेसर है, एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए अनिल नाम के प्रोफेसर की जो पीआईडी बनेगी वो भी अलग बनेगी, एक यूनिक बनेगी। तो पीआईडी 2 है इनकी, 2 बन गई। उसके बाद अगेन अगेन जो स्टूडेंट है 102, फिर से वही स्टूडेंट जो है उसके प्रोफेसर की आईडी जो है 3 है। तो ऊपर देखते हैं कि अगेन उसी स्टूडेंट की प्रोफेसर आईडी 3 क्यों हो गई, 2 क्यों नहीं हुई, क्योंकि 102 की प्रोफेसर आईडी 2 है, तो यहाँ पर भी 102 नाम के स्टूडेंट की प्रोफेसर आईडी 2 होनी चाहिए, तो 3 क्यों हो गई, तो क्योंकि 102 नाम के उसी स्टूडेंट ने पहले ओरेकल का सब्जेक्ट चुना था और ओरेकल पढ़ा रहे थे अनिल नाम के प्रोफेसर, और उसी स्टूडेंट ने एक दूसरा सब्जेक्ट और चूज कर लिया C++, तो C++ सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है उनका नाम है मीरा खरे, तो इसलिए मीरा खरे एक डिफरेंट प्रोफेसर है, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है और प्रोफेसर अलग है, इसलिए उनकी एक अलग आईडी बनी, यूनिक आईडी बनी, तो यहाँ पे पीआईडी 3 आ गई। तो ऊपर देखते हैं, यहाँ पर 102 का जो स्टूडेंट है उसने ओरेकल का सब्जेक्ट लिया, अनिल नाम के प्रोफेसर इनको पढ़ाते हैं, तो अनिल एक डिफरेंट प्रोफेसर है, तो पीआईडी इनकी डिफरेंट होगी। उसी स्टूडेंट ने 102 ने एक अलग सब्जेक्ट लिया C++, और इस C++ को पढ़ाने वाले एक डिफरेंट प्रोफेसर है मीरा खरे, तो 102 अगेन उसी स्टूडेंट का जो प्रोफेसर है वो दूसरा प्रोफेसर है यहाँ पे मीरा खरे, पहला प्रोफेसर अनिल है, दूसरा प्रोफेसर मीरा खरे है, इसलिए मीरा खरे के लिए एक अलग पीआईडी आएगी। तो यहाँ पर उसी स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट उसने चूज किया है C++ चूज किया है और पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो मीरा खरे है, इसलिए मीरा खरे है, इसलिए मीरा खरे के लिए अलग पीआईडी बनी है, तो यहाँ पे पीआईडी 3 बन गई। उसके बाद 103 का जो स्टूडेंट है, 103 का जो स्टूडेंट है उसने ओरेकल का सब्जेक्ट लिया है, और ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ा कौन रहे हैं, अनिल नाम के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। याद रख ध्यान से देखिए कि ऊपर जो है 102 नाम का जो स्टूडेंट है उसने भी ओरेकल लिया है, लेकिन उस ओरेकल को पढ़ाने वाले प्रोफेसर अनिल है, और यहाँ पे 103 का जो स्टूडेंट है उसने भी ओरेकल का ही सब्जेक्ट लिया है और ओरेकल को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो सेम प्रोफेसर है, अनिल प्रोफेसर है, तो अनिल ऊपर वाले प्रोफेसर की जो पीआईडी होगी वही पीआईडी यहाँ पे 103 की भी होगी। तो यहाँ पे 103 की पीआईडी 2 है और 102 की जो पीआईडी है वो 2 है, और यहाँ पे 103 की पीआईडी भी यहाँ पे 2 ही है, क्योंकि 102 जो स्टूडेंट है उसने ओरेकल का सब्जेक्ट लिया है और ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो है वो अनिल है और उनकी पीआईडी 2 है, और 103 का जो स्टूडेंट है उसने भी ओरेकल लिया है और ओरेकल को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो अनिल है, इसलिए सेम पीआईडी 2 आई है। उसके बाद एक स्टूडेंट है 104, यहाँ पे 104 का स्टूडेंट है उसने भी ओरेकल का सब्जेक्ट लिया है, बट इस ओरेकल के सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो अनिल नहीं है बल्कि एक डिफरेंट प्रोफेसर है शर्वानी कुमार, इसलिए 104 नाम के स्टूडेंट के लिए पीआईडी जो आएगी वो एक डिफरेंट पीआईडी आएगी और वो प्रोफेसर आईडी शर्वानी कुमार के लिए आएगी। तो 104 का जो स्टूडेंट आईडी है उसका जो उसके जो प्रोफेसर की पीआईडी है वो 4 है।
तो ये था स्टूडेंट टेबल के बारे में। उसके बाद प्रोफेसर टेबल में यहाँ पे PID 1 है, तो वन जिस प्रोफेसर की PID है उस प्रोफेसर का नाम नंदिनी सिन्हा है, और वो जो है जावा नाम की सब्जेक्ट पढ़ाती है। उसके बाद PID 2 जो है, ये जो है प्रोफेसर का नाम है अनिल, ये ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। PID 3 जो है ये मीरा खरे है, ये C++ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और PID 4 जो है ये सर्वानी कुमार है, और ये भी ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अगर इस प्रोफेसर वाले टेबल को कंपेयर करें स्टूडेंट वाले टेबल से, तो एक टपल एक रो प्रोफेसर वाले टेबल में कम हो गई है। तो कैसे? तो यहाँ पर जो है 101 नाम का जो स्टूडेंट है वो, उसकी PID 1 है, तो PID 1 है तो प्रोफेसर नंदिनी सिन्हा है और वो जावा पढ़ रहा है। 102 नाम का जो स्टूडेंट है उसकी PID 2 है, तो यहाँ पे PID 2 है तो प्रोफेसर का नाम अनिल है और वो ओरेकल का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। उसके बाद 102 नाम का जो स्टूडेंट है उसकी PID 3 है, तो PID 3 जो है उसके प्रोफेसर का नाम मीरा खरे है और वो जो है C++ का सब्जेक्ट पढ़ा रही है। और उसके बाद यहाँ पे 104 जो है प्रोफेसर ID 4 है, तो PID यहाँ पे 4 है सर्वानी कुमार, जो यहाँ पे ओरेकल का सब्जेक्ट सर्वानी कुमार पढ़ा रही है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? यहाँ पे ये देखा है कि 102 जो है इसकी प्रोफेसर ID 2 है, और 103 जो है इसकी भी प्रोफेसर ID 2 है। दैट मीन्स कि 102 वाला बंदा जो है वो ओरेकल पढ़ रहा है अनिल नाम के प्रोफेसर से, और उस अनिल नाम के प्रोफेसर की जो PID है वो 2 है। और 103 नाम का जो स्टूडेंट है वो भी ओरेकल पढ़ रहा है और वो भी अनिल नाम के प्रोफेसर से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर ID अनिल की सेम आएगी, यानी कि 2। तो यहाँ पे PID जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। बट इस टेबल में जो है यहाँ पे एक ही बार 2 आ रहा है, PID एक ही बार आ रही है। तो इस तरीके से एक रो अगर स्टूडेंट टेबल से कंपेयर करें प्रोफेसर टेबल को, तो एक रो यानी कि PID 2 और PID 2 वाली रो यहाँ पे इस वाले टेबल में कम हो गई है। तो यहाँ पर अब 2 जो है वो अनिल नाम का प्रोफेसर है, ओरेकल पढ़ाता है, तो यही अनिल नाम का प्रोफेसर 102 को भी पढ़ाएगा ओरेकल, और यही अनिल नाम का प्रोफेसर जो है 103 वाले स्टूडेंट को जो है ओरेकल पढ़ाएगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप जो है, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो BCNF का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।